जंजानी जयंती 2022 अपने 75वें साल में ये दाखिल हो गई है, इंशाल्लाह 2022 में हो जाएगी। और हमारे आईना किस्मत ये रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल बैंक जी ने इसके 75 साल और 12 इमामी जयंती भी इंशाल्लाह ताला ये भी 14वें साल में दाखिल हो रही है, ये भी इंशाल्लाह आ जाएगी इसी माह के आखिर तक। और उसके बाद अल बिरूनी तकवीम 2022 जिसमें जनाब लकी नंबर भी शामिल होंगे, इनाम लकी नंबर आईना किस्मत में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। शाह जंजानी एक वेबटी की जन्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे ये काकशां फलक राबर राय जिंदगानी। आज 6 नवंबर और हफ्ते का दिन है, कोशिश फरमाएँ कि आपके सारे पेंडिंग काम आज निपट जाएँ, और अगर किसी वजह से रह जाएँ तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और अब तो जनाब नए साल की आमद है 2022 की। आज हम देखते हैं कि चांद किस बुर्ज में, तो चांद आज हमें बुर्ज अकरब में मिला। चांद जब भी बुर्ज अकरब में 2.5 दिन के लिए आ जाता है तो ये किसी भी तौर पर मुनजबीन के नज़दीक और खसूसन आइमा मासूमैन के नज़दीक ये एक अच्छा वक्त नहीं होता। 2-2.5 दिन अहम काम कर लें, नए काम की शुरुआत करना, ख़ास सफ़र करना, शादी ब्याह निकाह शब अरूसी ये सभी कामों में बेबरकती जैसी कैफियत हो जाती है। हम देखते हैं कि आज चांद के बुर्ज अकरब में होने की वजह से जो खुफिया अमूर हैं और ख़ास तौर पर ऐसे जो कामों में उसमें तवज्जो करें ताकि आप साजिशों से महफूज रह सकें और कोई शख्स आपकी इज्जत और हुरमत और में खुदा न खास्ता कमी लाने के लिए अगर कोई साजिश कर रहा है तो आप उसे महफूज रहें। दिन का आगाज़ सदका और खैरात से करें। आज हम देखते हैं कि 12 में से किन 8 बुर्ज के लिए अच्छा वक्त है, तो आज जनाब 8 की जगह हम 7 ही बुर्ज लेंगे, क्योंकि अकरब वाले भी आज उस जल में है, चूँकि चाँद का मंजर अकरब है, तो बुर्ज सौर, बुर्ज असद और बुर्ज दल वालों के लिए बेहतर दिन। और मजीद जो बेहतरी है वो हमें मालूम हो रही है बुर्ज जौजा, बुर्ज शुमला, बुर्ज कौथ और ऊत वालों के लिए। और मजीद इतिहास के लिए मैं हदिया करूँगा कि अकरब वालों के साथ बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज मैदान और जदी वाले भी आज एहतियात से काम लें और सदका और खैरात से दिन का आगाज़ करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं कि आज आसमान पर सितारों की क्या नज़र आते हैं, तो आज हमें 2 नज़रें मिली और ये दोनों नज़रें बड़ी गैर ममूली अहम सी नज़रें हैं। एक तो जनाब आज नज़र है कमर की जोहर के साथ तस्दीस है, और ये मशावरत की अच्छी नज़र है, और उसके बाद अतारत की तस्दीस है जोरा के साथ। ये दोनों ही नज़रें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आते हैं। आप मेहनत, मुशक्क़त, सेहत और दीगर जो आपके रोज़मर्रा और जिन हालात में, जिस माशरे में, जिस मुल्क, इलाके, गांव, देहात में आप रहते हैं, अपने माहौल के मुताबिक अपने हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश करें तो यकीनन आप अपनी काबशों में कामयाब हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अपनी सेहत के अवेयरनेस के जो मामलात हैं अपने अपनी फैमिली बच्चों के लिए, इसके लिए एक बहुत ही आज अहम दिन दिखाई देता है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं कि आज कौन से लकी नंबर निकालेंगे, मैंने 7 हासिल की है। आज का जरा मकसूबी नंबर 4 है, उसके अलावा 1, 2, 9 और 3 आज आपके लिए लकी नंबर हैं। वो बहन भाई जिन्हें दिलचस्पी है इनामी नंबर से, वो इन नंबर को उलट पलट करके इसकी बिरादरी से फैसला हो सकते हैं। और मजीद अच्छी खबर है कि जनाब हमारी जो जंत्री है इनाम लकी नंबर अल बिरूनी तकवीम प्लस इनाम लकी नंबर 2022 ये तकमील के आखिरी मराहल में, और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर में ये मार्केट में आ जाएगी। इसकी हार्ड कॉपी आपके खरीद के पढ़िएगा। ये पूरे साल का लकी नंबर्स का एक छोटा सा गुलदस्ता है, इंसाइक्लोपीडिया है, नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर कब खरीदने चाहिए, और दुनिया भर में इंटरनेशनल लॉटरीज के लिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से आप अपने स्मार्टफोन पर लोकल टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें आज़म और दीगर पूरे साल की कौन सी करीम खुशबख्त डेटें जब आप इनाम खरीदते हैं तो आपके निकलने के ज़्यादा इम्कान हों। याद रहे कि अल्लाह के जिक्र से ही दिल आराम पाते हैं और अल्लाह के जिक्र से ही सारी नेमतें और बहारें हैं। अल्लाह ताला के एक नाम है या लतीफ़, उसके नंबर है 129। इसे अव्वल आखिर याला जला बरसा दुरुशी पढ़ के परवरदिगार से दुआ करें। हमारा एक जिसमें लतीफ़ है जिसे हम रूह कहते हैं, हम दाद कहते हैं, हम कोशिश करें कि हमारी रूह ताकतवर हो जाए। जो लोग इस किस्म का वर्द करते हैं उन्हें अजीबोगरीब किस्म के खुशगवार एहसास
खुशी और शादमानी जैसे वाक़ात पेश आते हैं, इसका पानी जम करके पीना भी बाइस बरकत है। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के लिए इतनी शादी जाने की इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी का लिखने प्रोग्राम के साथ हाजिर होकर खुदा।